कल देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हनुमान चालीसा जो भी पढ़ने वालों के ऊपर अगर देशद्रोह का गुनाह होता है तो हमारे हनुमान चालीसा, देखिए देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी के ऊपर देशद्रोह का गुनाह नहीं दाखिल हुआ है, समझ लीजिए। वो वकील है, वो लॉयर है। कल मुंबई हाईकोर्ट ने भी उस बारे में अपना मत जो व्यक्त किया है वो पूरा जजमेंट फडणवीस साहब ने पढ़ना चाहिए। हम भी कहेंगे हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए, आपका मन अशांत है तो आप अपने अपने घर में मंदिर में जाकर पढ़िए। दूसरे के घर में घुसकर अगर आप माहौल खराब करोगे हनुमान चालीसा के नाम पर तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल होगा।